तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक न्यू मस्त झकास एंड बहुत ही ज़्यादा हॉरर गेम जिसका नाम है पम्पकिन। गाइज नाम में ज़्यादा दम नहीं है बट हाँ गेम के अंदर ना बहुत ज़्यादा दम है, बहुत ही ज़्यादा हॉरर गेम है, इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है। बट इस गेम की जो स्टोरी है वो आपको मैं अभी नहीं बताऊँ, वो हाइड है, वो आपको पता चल जाएगी गेम में जाने के बाद। तो चलते फटाफट इस गेम में, बट उससे पहले वीडियो को जल्दी से लाइक करो और चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर लो। तो गाइज सिंपली गेम स्टार्ट हो चुका है और मैं आ चुका हूँ अपने घर के अंदर, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्या ब्यूटीफुल रूम है मेरा यार, सही में बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। ये मेरा रूम है ना। ओके यहाँ पर सबसे पहले नॉट है। ओके यार मैं बहुत ज़्यादा सोया हूँ इस वीकेंड में, मेरी फ़िलहाल अभी छुट्टी चल रही है। तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट रखा हुआ है, बट उससे पहले एक और यहाँ पर लेटर है जो कि है मेरी दोस्त का। उसने बोला है कि भाई मैं सारा दिन सोते रहता हूँ और कोई काम धंधा है नहीं मेरे पास, तो मेरे को बुलाया था इसने एक खेत के अंदर जहाँ पर कद्दू होते हैं, उनकी खेती की जाती है। और वहाँ पर जाने से पहले ना मेरे को कुछ यहाँ पर देख लेना चाहिए। सिंपली मेरे को एक चाबी मिली है, बट ये चाबी कहाँ पर यूज़ होगी आई डोंट नो। यहाँ पर दो रूम लॉक थे, शायद इन्हीं में लग सकती है, मेरे को ट्राई करना चाहिए क्या। बट उससे पहले यहाँ पर भी एक बार की देख लेता हूँ। नहीं यार पूरे घर के अंदर ना मेरे को एक चाबी मिली है। ओके कोई बात नहीं, अभी यहाँ से निकलते फटाफट। और फ्रिज के अंदर ब्रेकफास्ट तो मैंने वैसे कर ही लिया है तो भूख तो नहीं लगी है मेरे को। अभी यहाँ पर ड्रॉवर्स है बट ये सब ब्लॉक है। तो उसने मेरे को बताया था कि भाई मेरे को ना मेरा जो गैराज है उसको साफ़ करना है मेरे को, और इसका मेन रीज़न क्या है मेरे को नहीं पता है, मेरे को इतना पता है। बट यहाँ पर मेरी टूटी फूटी साइकिल पड़ी है, इसको मेरे को पूरा बनाना पड़ेगा क्योंकि भाई इसी के थ्रू मैं जाने वाला हूँ खेत के अंदर जहाँ पर मेरे को बुलाया गया है मेरे फ्रेंड ने। ओके वेट। ओके मैंने व्हील तो लगा दिया, अभी दूसरा व्हील कहाँ पर है, इसको फटाफट से हटाओ यहाँ से। अभी साइकिल के लिए मेरे को एक व्हील चाहिए और साथ ही साथ चेन के लिए मेरे को ऑयल चाहिए होगा क्योंकि पूरे चेन के ऊपर ना वेट ये चाबी यहाँ पर यूज़ होगी। ओके यार फाइनली मेरे को पता चल गया, और चेन ल्यू भी मेरे को मिल चुकी है और पंप भी। व्हील के अंदर हवा भी तो बननी है ना भाई मैं भूल के सकता हूँ। ओके फाइनली गाइस हमारा टोटल काम हो चुका है, अभी फटाफट साइकिल को बनाते हैं, रिपेयर करते हैं और यहाँ से निकलते हैं खेत की तरफ। और खेत में जाके एग्जैक्ट मेरे को करना क्या, पंपकिन उगाना है क्या मेरे को यार, ये काम धंधे रह गए मेरे। ओके जो भी है करना पड़ेगा। ऑयल मैंने दे दिया है जो कि यार बहुत ज़्यादा जंग हो चुका था, जंग लग चुका था पूरे चेन को, तो साइकिल चलाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने वाली थी। अभी पंप लेते हैं फटाफट से और हवा भरते हैं, फुल हवा करने वाला हूँ। और टायर ट्यूब फट गया ना भाई तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मतलब कि मेरे को पैदल ही दौड़ना पड़ेगा इससे बहुत बड़ा रिस्क है, तो मैं ऐसा नहीं करूँगा बिल्कुल भी। ओके हवा फुल कर दिया मैंने, बिना कोई दिक्कत है हमारा पूरा काम बन चुका है, साइकिल बिल्कुल तैयार। अभी इसको लेते हैं फटाफट से और यहाँ से कल्टी मारते हैं खेत की तरफ। और खेत में जाने के बाद अभी क्या होने वाला है वो तो भाई कहानी बहुत ज़्यादा मस्त होने वाली है। बट जैसे मैं साइकिल लेके निकला, थोड़ी दूर आया तो रात होने लग गई है। और भाई देखने में यहाँ पर देखो हेड पड़ा हुआ है पूरा, इसको देख के सीन तो काफ़ी ज़्यादा हॉरर लग रहा है। पम्पकिन फ्रॉम मिस्टर डंकर्स कुछ लिखा हुआ था। भाई यार मेरे को यहाँ पर क्यों बुलाया, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। बट लुक फॉर जेनी, जेनी ने मेरे को यहाँ पर बुलाया लेकिन जेनी कहाँ पर है। ओके मैं ग्रास के अंदर छुप भी सकता हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा मस्त है। जेनी की साइकिल यहाँ पर है लेकिन जेनी यहाँ पर नहीं है। और एक काला कौवा क्या क्या मैसेज देना चाहता है भाई, व्हाट द हेल, ये क्या है। Another kids got lost. ये हा हा करके हंस भी रहा है भाई, सबको मेरे जो भी दोस्त थे सबको इसने पकड़ लिया है। और अभी मेरी बारी, बट तू मेरे से गलत पंगे ले रहा है, पहले बता रहा हूँ बच्चे मेरे सामने तो बच्चा है जो भी गल्ले। ओके गाइस फिलहाल तो मेरे को यहाँ से भागना पड़ेगा क्योंकि ना देखने में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रहा है। और उसके हाथ में इसको क्या बोलते हैं यार, मैं भूल गया, ग्रेस काटने का उसको क्या बोलते हैं, हलवानी जो भी बोलते हैं हमारी भाषा में, हलवानी बोलते हैं उसको। और उससे ना मेरे को काट कूट कर पता नहीं क्या करेगा। बट यहाँ पर एक सेम ट्रैप बेस, मतलब मेरे को तीन पार्ट चाहिए और यहाँ से मेरे को क्रोबार मिला है, बट क्रोबार का मैं क्या करूँ, मेरे को ट्रैप बनाना है इसके अंदर। ओ भाई 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 गोदी में बैठ जाएगा आके, ऊंचा भाई सबर कर ले थोड़ा सा, अभी कैसे पकड़ रहा है। हाँ भाई मेरे पीछे आ रहा है वो, रुक जा सबर कर ले भाई। यार फिलहाल तो मेरे को यहाँ पर गोल गोल घूमना पड़ेगा जब तक, ओके इसकी नज़र हट चुकी है। मेरे को करना क्या है, मेरे को तीन पार्ट ढूंढने वो भी ट्रैप के, बट वो कहाँ पर मिलेंगे। क्रोबार तो मिला है बट क्रोबार का यूज़ मेरे को पता नहीं है ना, धीरे धीरे पता लगाना पड़ेगा मेरे को जल्दी से जल्दी। वेट इसको एक बार की पता चल गया तो भाई पीछा तो आसानी से नहीं छोड़ेगा मेरे को ऐसा लग रहा है। ये क्या है भाई, मैं आगे जाने की कोशिश कर रहा हूँ फिर इसको पता चल जा रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है करना। बट हाँ मेरे को एक बार की पता चल जाए
कि स्क्रोबार का यूज़ कहाँ पर है और वो जो ट्रैप है वो ट्रैप मेरे को कहाँ से मिलेगा। तीन पार्ट ढूंढने हैं एक ट्रैप के, और भाई एक ही बार में मिल जाता तो आसानी होती, बट एक सेकेंड उसका ध्यान नहीं है ना। यहाँ पर देखो यार कुछ गोल, ये क्या है, पाइल ऑफ अर्थ। आइटम रिक्वायर्ड शॉवल, शॉवल से इसको खोदना पड़ेगा और इसी के अंदर शायद हो ना हो मेरे को ट्रैप के तीन पार्ट मिल सकते हैं। बट ये क्यों नहीं खुला, खुल जा भाई। अब वेट यार, उसको पता चल गया, पता नहीं कैसे पता चलता है, मेरे पीछे ही घूम रहे हैं कि अक्का दिन यार ये क्या लगा रखा है इसने, मजाक चल रहा है मेरे को बराबर से ना। अभी शॉवल ढूंढना पड़ेगा और ये समझ में नहीं आ रहा, और जो बाथरूम जो भी है उसका डोर क्यों नहीं खुला, उसका डोर खुल जाए एक बार की तो हमें पता चल जाएगा आगे हमें करना क्या है। ये तो मैं पता लगा के रहूँगा यार। चलो कोई नहीं, आगे से जाते हैं। इतना सा खेत है, इसके अंदर सारा का सारा प्रोसेस मेरे को पूरा करना पड़ेगा, और भाई इतनी सी जगह में ये बार बार मेरे पीछे पड़ रहा है तो ये काफ़ी ज़्यादा आसान नहीं है। हेलो, आगे मुड़ के मत आइयो, पहले बता रहा हूँ मैं। गया क्या? हाँ देखने में शांति लग रही है, अच्छा मौका है, तो फटाफट से इस बाथरूम को ओपन करते हैं। लेट्स ओके, फाइनली यार इतनी देर के बाद खुल ही गया, और इसके अंदर से मेरे को मिला शॉवल जो कि मेन, ये ना मिले तो भाई मेरा तो काम बनता ही नहीं। शॉवल मिलने के बाद मेरे को फटाफट से यहाँ पर जाना पड़ेगा जहाँ पर मैंने कुछ बने हुए देखे थे रेत के टीले छोटे छोटे, उनको जाके डिग करना है, और डिग करने के बाद मेरे को उसके अंदर से शायद ट्रैप के जो पार्ट है वो आसानी से मिल जाएंगे। बट यहाँ पर एक नहीं है, दो नहीं है, बहुत सारे हैं जिनको मेरे को डिग करना होगा। भाई साहब यार चला जाना भाई, जान के पीछे पड़ गया ये, और मेरे सारे दोस्तों को कहाँ पर छुपा के रखा है ये मेरे को जल्दी जल्दी पता करना पड़ेगा। बट उससे पहले यार बहुत सारा काम पड़ा है, बहुत सारी चीज़ें ढूंढनी है जो कि आसान नहीं है। जहाँ तक मेरे को देखा, मैंने कहा था ना यार एक नहीं है, बहुत सारे टीले हैं छोटे छोटे, उन सबको मेरे को खोदना पड़ेगा बारी बारी करके, तब जाके इनमें से मेरे को तीन या चार पार्ट मिलेंगे। हाश कुछ तो मिले, ओके यहाँ से कुछ मिला, ये क्या है, ट्रैप बेजी है भाई, मतलब कि एक पार्ट मेरे को मिल चुका है। बट ये अजीब सा क्यों लग रहा है मेरे को, ट्रैप का बीच वाला हिस्सा है। गाइस एक पार्ट मिल चुका है, अभी मेरे को ना दो और चाहिए। ओ दूसरा भी मिल गया, काफ़ी ज़्यादा इजी से यार, अभी दूसरा मिल गया तो अभी मेरे को लास्ट ही चाहिए। गाइस अपना काम ना बहुत आसानी से निपट गया, सही मेरे को लग रहा था ये बार बार मेरे पीछे पड़ेगा तो ये काम ना काफ़ी ज़्यादा हार्ड होगा। बट ऐसी बात नहीं है, ये क्या चीज़ है भाई, ट्रैप का हिस्सा तो कहीं से नहीं लग रहा मेरे को। पोटैटो, पोटैटो का मैं क्या करूँ, नहीं मतलब क्या मजाक चल रहा है क्या ये, हाँ सबसे पहले तो इसका ध्यान रखो। बट यार ये पोटैटो का ट्रैप के बीच में पोटैटो, हाँ मेरे को समझ में आ गया मेरे को क्या करना है, एक बार के इससे पीछे छूट जाए और ट्रैप बनाने के बाद उसके बीच में मेरे को रखना है आलू, और आलू इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। हाँ यार बोर्ड के अंदर शायद मैंने पढ़ा नहीं है बट उसके अंदर लिखा हुआ होगा, फटाफट से मेरे को ट्रैप लगाना है भाई, ट्रैप का एक पार्ट ही और चाहिए मेरे को, तीन हिस्से लगभग मेरे को मिल चुके हैं, अभी मेरे को ट्रैप का एक हिस्सा चाहिए और उसके होने के बाद ट्रैप बन जाएगा, और ट्रैप को मेरे को एक ग्रेस के अंदर छुपाना है और फिर ये आलू को लेने की कोशिश करे, जैसे ये कोशिश करेगा हाथ ढालेगा तो इसका हाथ छूट जाएगा और उसके अंदर और उसके हाथ में जो आरी है जो भी कटर है वो मेरे हाथ में लग जाएगी, उसके लिए तो ये सब पापड़ बेल रहा हूँ मैं एक बार की बस। यार ट्रैप का जो तीसरा हिस्सा है, तीसरा पार्ट है वो मिल जाए, मेरे हाथ में लग जाए ना तो फिर इसको बता दो मैं क्या चीज़ हूँ। बट इतने सारे रेत के टीले, इनमें से कौन सा सही है भाई, सबके सब सही है, लेकिन ये बुद्धि भ्रष्ट मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा इतनी आसानी से। कोई बात नहीं आ जा मेरे पीछे। गया भाई यार एक लास्ट पार्ट तो मेरे को नहीं मिल रहा है, उसको लेने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ मैं, बस ये गया, अभी देखो मैं क्या करता हूँ, इस बार तो मिल ही जा। नहीं यार इसमें भी नहीं है, इसमें ये तो खुदा हुआ है, अभी कहाँ पर हो सकता है। आलू मैंने लिया नहीं था, चलो इसको भी ले लेते हैं, तो मेरी इन्वेंट्री जो है वो टोटल चार चीज़ें रख सकती है, वो जाके ना मेरे को फटाफट से एक बार की इसका ध्यान हट जाए बस, अभी दो तीन ही और है उनको खोदने के बाद एक में से तो मिल ही जाएगा। पागल है भाई ये पम्पकिन क्या है आइटम बना के रखा है, सही में ये आइटम लोग सब मेरे को ही क्यों मिलते हैं। गया अचानक से आई हो मत, पहले बता रहा हूँ मैं। ओह फाइनली गाइस लास्ट वाला पार्ट मेरे को मिल चुका है, इसी के साथ वीडियो जल्दी से लाइक करो और चैनल को भी साथ ही साथ सब्सक्राइब करो, अभी हमारा एस्केप कंप्लीट होने वाला है,
शायद क्योंकि मेरे दोस्त मेरे को अभी तक मिले नहीं हैं। जब तक मेरे दोस्त मेरे को नहीं मिलते तब तक ये गेम पूरा नहीं होगा। ओके गया। हाँ चलो यार, जेनी की साइकिल यहाँ पर है सही सलामत, बट वो सही सलामत नहीं है फिलहाल। तो ट्रैप भी हमारा कंप्लीट हो चुका है भाई। यार ये कब उधर घुसता है इधर निकलता है, मतलब क्या है इसकी ये वाली हरकतें, मेरी समझ के बाहर है। ओके फाइनली ट्रैप बन चुका है, बीच में मैंने आलू भी रख दिया है। अब मेरे को जाके इसको ग्रेस के अंदर छुपाना है, और जैसे ही छुपाता हूँ फिर इसकी वाट लगने वाली है भाई एक सेकंड देखो, अभी ये वाला सीन काफ़ी ज़्यादा मस्त होने वाला है। वेट, ओके हाश, इतनी देर के बाद अपना मिशन कंप्लीट। मेरे से पंगा लेगा मेरे से, जानता है मेरे को, ये जानता नहीं है। ओके फाइनली इसको लगा बड़ा वाला झटका। वेट ये कहाँ पर है, कटर। ओके यार सिकल मेरे को मिल चुका है, अभी सिकल को मेरे को लेके जाने एक बॉक्स मेरे को फाइंड करना होगा, जिसके ऊपर मेरे को ना क्रोबार का यूज करना है और साथ ही साथ सिकल का भी, और उसी से ओ फिट इतना तेज दौड़ क्यों रहा है। जैसे इसके हाथ में ट्रैप लगा और भाई साहब इसकी तो सटक गई। ओके बॉक्स मिल गया मेरे को, बट उससे पहले जो भी जड़े हैं बॉक्स के ऊपर उनको काटना पड़ेगा, और उसके बाद क्रोबार का यूज करके इस बॉक्स को खोलना है, और उसको खोलने के बाद देखते हैं अंदर से मिलता क्या है। एक चाबी मिली मेरे को, बट ये यार मेरे को जाना है घर के अंदर, और घर की मेरे को चाबी ऑलरेडी मिल चुकी है, और ये सिकल का यूज एक बार किया मैंने, बट एक बार और करना पड़ेगा। हेलो, आपको पता होगा शुरुआत में मैं जब यहाँ पर आया तो ये जो घर है इसके डोर के ऊपर ना जड़े आ गई थी, और अचानक से निकल गया था पंपकिन, और वही जड़े मेरे को काटनी है ताकि मैं घर के अंदर आसानी से जा सकूँ। भाई ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ दौड़ है, बाई चांस ये मेरे को देख लेना एक बार की तो पकड़ के ही छोड़ेगा, मेरे पास स्पीड बहुत ज़्यादा कम है। ओके अभी इनको भी फटाफट से काटते हैं। फाइनली अभी चा भी लगाने के बाद मैं आ जाऊँ घर के अंदर, बट टू बी कंटिन्यू इन अपडेट। फाइनली गाइज, इतनी देर के बाद, इतनी कोशिश करने के बाद मैंने ट्रैप बनाया, ट्रैप बनाने के बाद उसको फंसाया, फंसाने के बाद उसके हाथ से जो छूटी सीकल मेरे हाथ में लगी, फिर मैं घर के अंदर घुस गया। बट यहाँ पर टू बी कंटिन्यू है, जल्दी इसका अपडेट भी आने वाला है, बट अपडेट के बाद जो ये गेम मतलब, और अपडेट के बाद, और अपडेट के बाद मैं, और अपडेट के बाद ही मैं मेरे दोस्तों को यहाँ से छुड़ा सकता हूँ। तो आज के लिए बस इतना, अगर आपको ये गेम प्ले पसंद आया तो दिल से वीडियो लाइक करो, और चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब करोगे ऐसी मज़ेदार हॉरर गेम प्ले फनी गेम प्ले आप डेली देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं इसी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।